के बैच? यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो आज हमारा क्लास का शुरुआत कब से हुआ? आज से। बोर्डिंग में? यस सर। बोर्डिंग में कितनी बजे से? 8 बजे सर। आप 8 बजे आए यहाँ पे? यस सर। आपको 8 बजे का टाइम दिया था? यस सर। आप 8 बजे आए? यस सर। 8 बजे आपकी क्लास की शुरुआत हुई? यस सर। तो सबसे पहले आपने क्या किया? अगर मैं बोलूं कि दुनिया की कोई सी भी आईसी अगर आपको प्रॉपर स्टेंसिल के साथ देता हूं तो आप रिवॉल्व कर सकते हो? यस सर। कौन कौन कर सकता है? सर। सब कर सकते हैं? यस सर। तो आज आईसी आपने कितनी बार रिवॉल्व किया? 5 बार। कितनी बार किया? 7 बार। सब ने किया? यस सर। कोई ऐसा बंदा जिसने तुक्के में कर दिया हो? नहीं सर। प्रॉपर तरीके से किया? यस सर। प्रॉपर तरीके से? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्लास किसके साथ थी दोपहर में आपकी? खाने का ब्रेक मैंने 3 घंटे का दिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का दिया, कितने घंटे का? 10 से 15 मिनट का। ना किसी ने खाना खाया हुआ, किसी ने ईमानदारी से खाना नहीं खाया हुआ। सही बात है। तो पढ़ने आए कि खाने आए? अपन पढ़ने खाने खाने दूसरी बात, आपकी क्लास जिनको आप देख के यहाँ पे आए हो, मिस्टर देव रतन अग्रवाल, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू, करेंगे वो जो करना है, जो चाहे। अपना नाम और आप कहाँ से बताइए? जी हम यूपी से हैं, उन्नाव से। तो आज पहले दिन की क्लास हुई है, कॉम्प्रेंट की क्लास हुई है, कैसा लग रहा है पहले दिन क्लास? तो सब समझ में आ रहा है। रजिस्टर की बात करें, थर्मिस्टर ढूंढ लेंगे? जी ढूंढ लेंगे। तो अभी ये पहले दिन की क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। सर ने जो पढ़ाया है यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है? सब समझ में आ रही है। तो अभी प्रैक्टिकल करने में जो चीज़ सर ने पढ़ाया, रजिस्टर कैसे चेक करना है, LVR है, HVR है, जी उसको चेक कर पाएंगे अभी? जी कर पाएंगे। थर्मिस्टर ढूंढा आपने? जी ढूंढा है। कहाँ पे, काग बताइए कहाँ पे ढूंढा है इसका? ये लगा तो अभी कॉम्प्रेंट की क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कल भी हमारी कॉम्प्रेंट क्लास है। तो कैसी रही आज पहले दिन क्लास? अच्छी रही सर। अच्छी रही, ठीक है, कंटिन्यू करिए।
नमस्कार, मैं गुजरात से विष्णु जी हूँ और देव सर और मिलन सर ने जो पढ़ा है कंपोनेंट की एक क्लास थी आज सर, वो बहुत अच्छी रही सर। कंपोनेंट अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं रजिस्टर। तो मैं बात करूँ, आज पहले दिन की क्लास आपकी कंपोनेंट की क्लास हुई है जिसमें आपको रजिस्टर थर्मिस्टर के बारे में पढ़ाया गया, कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया गया। हाँ जी सर। तो वो सारा चीज़ चेक कर पाएंगे भैया? हाँ जी सर, अच्छे से। तो पहले दिन की क्लास में ऐसा तो नहीं लग रहा समझ में ना आ रहा? नहीं नहीं सर, सब समझ में आ रहा है और अच्छी तरह से जान सकते हैं। चेक कर पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो थर्मिस्टर आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा? ढूंढा है ना सर। बिना डायग्राम के ढूंढा आपने? बिना डायग्राम के सर। तो डायग्राम की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं सर, ने ऐसा बताया जो डायग्राम की जरूरत पड़ती है। नहीं सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। अपना नाम कहाँ से? सर मैं तो बॉम्बे से, नाम है राम सकल मौर्या सर। बॉम्बे से? बताइए इतनी दूर आज पहले दिन की क्लास से कैसा लगा? अच्छा तो चली सर। अच्छा चली सर, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे समझ में तो आ रहा है सर जी, तो उसके लिए ट्राई करो घूमने के लिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले दिन क्लास अभी कॉम्प्लेंट की पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कल भी कॉम्प्लेंट की क्लास है। हाँ सर। तो सर ने आपको कॉम्प्लेंट के बारे में पूरी डिटेल दिया? डिटेल तो दिया सर, थोड़ा तो दिया। तो यहाँ पे आप जो सर ने पढ़ाया चेक कर पा रहे भैया? हाँ चेक तो कर रहा हूँ सर। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है सर, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। रजिस्टर के प्रकार जान पाएंगे आप? जान पाएंगे। रजिस्टर के काम जान पाएंगे? जान पाएंगे। थर्मिस्टर कहाँ पे लगे होते हैं, क्या काम करता है सर, जान पाएंगे? पीएफ के बाजू में सर लगा। आप चेक कर पा रहे हैं? हाँ चेक। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, उनका नाम और आप कहाँ से? मैं सर उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार दड़ाई है। उड़ीसा से है, बताइए क्या पहले दिन की क्लास कॉम्प्लेंट क्लास कैसी रही सर? बहुत अच्छा है सर। तो देव सर के साथ यहाँ पे पहले दिन क्लास आपकी हुई यहाँ पे कॉम्प्लेंट से रिलेटेड, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, थर्मिस्टर हो, उसको पहचान पाएंगे? जी सर। LVR है कि HVR है उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे? जी सर। तो इससे पहले इतना कॉम्प्लेंट का नॉलेज था क्या? नहीं सर, कॉम्प्लेंट का नॉलेज इतना नहीं था। अभी पहले दिन केवल, अभी कल भी कॉम्प्लेंट क्लास है, ऐसे नहीं केवल आज बस है, कल भी कॉम्प्लेंट चलेगी आपकी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी सर। ये सीखने को मिलेगा? अरे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, लग रहा है। नया सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं बात करूँ कॉम्प्लेंट से रिलेटेड, कोई डाउट तो नहीं है अभी आप? नो सर, पहचान पे डाउट जी सर। चलिए ठीक है। अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम निकी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। निकी जी आज पहले दिन है आज आपकी, तो कॉम्पोनेंट का पहला दिन का क्लास था, कैसा रहा सर के साथ? सर के साथ बहुत अच्छा रहा, उन्होंने आज जितना कुछ समझाया कॉम्पोनेंट के बारे में, मतलब बहुत एडवांस लेवल में हमें, मतलब ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब का नॉलेज या कोई स्क्रिप्टेड आपको पढ़ा दिया गया? नो सर, सर ने विदाउट एस्टिमेटिक, विदाउट कुछ भी, हमें खाली मदरबोर्ड में ही बताया कि हाँ कहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट का क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन सब चीज। तो अभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस। पहचान पाएंगे? यस। वो HVR है, LVR है? यस सर। उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि सीरीज में लगाए तो क्या कर सकते हैं, पैलर में लगाए तो क्या कर सकते हैं? सर एल सीरीज में लगा हुआ है तो सर वो अभी काम नहीं पूछ रहे, मतलब आपको पता है कि नहीं? सर पता है। पता है आप कैसे रही क्लास पहले दिन? बहुत बढ़िया सर। ठीक है कंटिन्यू करें। सर एक स्टूडेंट और है, नाम और आप कहाँ से हैं? राजेश्वर दीवान सर। राजेश्वर जी बताइए आज पहले दिन क्लास कॉन्फ्रेंस क्लास कैसी रही? सर थ्योरी क्लास तो काफ़ी अच्छा था जी, जी। और कुछ मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन था बोलिए जी, जी, जी। और जैसे ही मैं यहाँ लैब में आया हूँ, क्रिटिकल लैब में आया हूँ जी, तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई, क्लियर हो रही। और MD सर काफ़ी अच्छा मतलब ट्रीक किया मेरे को जी, जी। और सक्सेस हुआ भी अभी जी। अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेंट से रिलेटेड, थर्मिस्टर से रिलेटेड पहचान पाएंगे? यस सर। थर्मिस्टर के बारे में अगर बात करूँ यहाँ पे कि थर्मिस्टर कहाँ पे लगा है, उसके काम क्या होते हैं? हाँ सर ट्रेस किया हुआ भी सर। तो पहचान पा रहे हैं ये बिना डायग्राम के? डायग्राम के बिना डायग्राम के सर। अरे तो डायग्राम ढूंढना पड़ता है उसके लिए? दो सर अभी ठीक से मैं निकाल लिया सर। निकाल पा रहे हैं? कैसी रही ओवरऑल क्लास? बढ़िया सर, बहुत कहाँ से? मैं सतीश कोरबा से। सतीश जी बताइए आज कॉम्प्लेंट की कैसी क्लास है? बहुत अच्छी। अभी तो कॉम्प्लेंट क्लास कंप्लीट नहीं हुई, कल भी हमारी कॉम्प्लेंट क्लास होगी जी। तो अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेंट से रिलेटेड, अगर रजिस्टर को पहचान पाएंगे जी, उसके काम क्या होते हैं, उसका वर्क क्या होता है जी? तो अगर मैं बात करूँ रजिस्टर HVR है, LVR है, उसके सोल्यूशन क्या है पता है भी आपको जी? थर्मिस्टर फाइंड आउट कर पाएंगे जी? कर लिए। कैसी रही आज की पहली दिन क्लास? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी रही जी सर। तो जो आप इतना नॉलेज यूट्यूब पे है क्या? नहीं सर। तो ऐसा तो नहीं सर ने स्क्रिप्ट बता दिया? नहीं नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, हमने समझा उसको और ट्रायल्स भी किए और सब हमको प्रैक्टिकल करने को मिल गया। कोई डाउट है तो क्लियर? कोई डाउट नहीं है सर, बिना इसमेटिक का हमने सब ढूंढ लिया। नाम राजेश जी, राजस्थान से। राजेश जी बताइए आज पहले दिन कोचिंग क्लास कैसे रही? बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी मीन्स कैसा कि इतना नॉलेज क्या यूट्यूब पे आप इससे पहले था क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाता सर। नहीं था यहाँ पे, एक एक चीज को डिफाइन किया गया है बिना सर के डायग्राम के, बिना सर के डायग्राम के, क्योंकि डायग्राम में हमें
पढ़ना भी बताया होगा, उसकी कोडिंग बताई होगी, उसके सिंबल बताए हुए हैं, उसके क्या ओम्स होते हैं, किस में उसको जाना जाता है, सब कुछ पता चला है। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया लैब के अंदर। प्रैक्टिकल यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे थर्मिस्टर को कितना टाइम लगा ढूंढने में? मात्र 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर थर्मिस्टर ढूंढ लिया? जी बिल्कुल। पहले जानते थे थर्मिस्टर? नहीं, पहले नहीं पता। नाम पता था उसका? बिल्कुल नहीं पता। थर्मिस्टर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत अच्छा नहीं जाता बिना सर के। मेरा नाम सुधीर तनपुरे है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से टेलीकॉम जबलपुर आप यहाँ पे ज्वाइन किया, पहला दिन आपने क्लास कर रहा है कॉम्प्लेंट का, अभी कॉम्प्लेंट कल भी है, तो कैसा रहा कॉम्प्लेंट? बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉलेज मिला, मतलब रजिस्टर कैपेसिटर वो सब सबका बहुत नॉलेज दिया। कॉम्प्लेंट का नॉलेज होना जरूरी है? हाँ है। बिना कॉम्प्लेंट का नॉलेज क्या कर सकते? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि अगर किसी सर्किट को समझना है तो कॉम्प्लेंट को समझना होगा। यस। सीरीज पहले को समझना होगा, उसे उसके फॉल्ट फाइंड आउट को समझना होगा। तो कैसे हो रहा है क्लास? अच्छा रहा, आज का बहुत दिन बहुत अच्छा रहा। तो कल भी अभी कॉम्प्लेंट की क्लास है, आज भी हमारी कॉम्प्लेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहते तो एक दिन में ही पढ़ा सकते थे। तो कैसे भी ओवरऑल क्लास अच्छा रहा सर? ठीक है। मेरा नाम गौरव सिंह है, यूपी से हूँ। गौरव जी यूपी से, आज आपका फर्स्ट डे है, कॉम्प्लेंट की क्लास हुई है। जी सर। तो कैसा लग रहा है अंदर से, हाउ टू जूस? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीब 10 साल हो गए। 10 सालों में तो भाई कॉम्प्लेंट का नॉलेज तो बहुत अच्छा खासा होगा। नहीं सर, कॉम्प्लेंट का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे कॉम्प्लेंट का कैसा लगा, एक दिन का नॉलेज? बहुत अच्छा लगा सर। जो 10 साल में मिस कर रहे थे वो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया, मतलब अभी तो मैं जो भी फॉल्ट कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, लीकेज कंडीशन है, विद इन सेकंड चुटकी बजा के बता सकता हूँ। बता सकते हैं। थर्मिस्टर के बारे में नॉलेज था? नहीं था। थर्मिस्टर से क्या फॉल्ट आ सकते हैं पता था? नहीं पता था। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। डिसीजन कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी तो एक दिन की क्लास हुई है, बहुत देर करके आए, बहुत पहले आना था मुझे। जी जी। तो अभी जो भी डिसीजन था सही रहा कि नहीं रहा? सही था। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम सुमन प्रामाणिक हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से? ओके। यहीं पे मैं बता दूँ, वेस्ट बंगाल के लोग अभी नेक्स्ट बैच में भी यहीं बैठे हैं। तो बताइए कैसी रही आज पहले दिन क्लास? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी रही। तो कॉम्प्लेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रही है। रजिस्टर क्या काम करता है, सीरीज में लगा, पैरल में लगा, एचबीआर है, एलबीआर है, वो थर्मिस्टर को फाइंड आउट कर पाएंगे? ओके। कैपेसिटर को चेक कर पाएंगे? ओके। कि सीरीज में लगा, पैरल में लगा, शॉर्ट है तो क्या कंडीशन होगी, ओपन है तो क्या कंडीशन होगी, सब कुछ पता चला है आपको? पता चल गया। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? हाँ। तो ठीक है, कंटिन्यू करिए। अपना नाम और आप कहाँ से? नमस्कार, मैं सुशांत, सातारा महाराष्ट्र से। सुशांत जी बताइए आज पहले दिन की कॉन्फ्रेंस क्लास कैसे रही? अच्छी रही। कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे जी हैं। तो कॉन्फ्रेंस का नॉलेज बहुत अच्छा खासा होगा आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद अच्छे से नॉलेज मिल गया। अब पता चला कि एक सीरीज का रजिस्टर अगर मिस हो जाए सीपी के पास तो भी फोन डेड हो सकता है? हाँ सर। पता चला भी आज? पता चला। तो थर्मिस्टर के बारे में पता था? जी नहीं, आज पता चला। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट उसके फाइंड आउट कर पाएंगे। यस। तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी या बिना डायग्राम? बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। बिना डायग्राम के कर सकते हैं? तो बिना डायग्राम के किया है कि नहीं किया है प्रैक्टिकल? अभी तो बिना डायग्राम के प्रैक्टिकल किया। चलिए, कैसी भी ओवरऑल क्लास? एकदम अच्छी रही। वेस्ट बंगाल जाना जाता। वेस्ट बंगाल से है, तो बताइए आज पहले दिन क्लास कैसे रही? अच्छा। अच्छा रहा यहाँ पे। तो मैं बात करूँ, रजिस्टर एचबीआर है, एलबीआर है, उसको पता कर पाएंगे? हाँ। अभी आप बोर्ड में चेक प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? हाँ। तो मैं बात करूँ अगर थर्मिस्टर के बारे में, थर्मिस्टर को कितना टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स लगे उसके अंदर भी ढूंढ सकते हैं? हाँ। बिना डायग्राम के? विद डायग्राम? बिना डायग्राम। बिना डायग्राम के ढूंढ सकते हैं? तो जो सर ने पढ़ाया आपको, ऐसा तो नहीं लगा यूट्यूब का नॉलेज दिया सर? सर पढ़ाने का तरीका कैसा? उसका आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं? कोई नहीं, ऐसा जरूर आपने टेक्निक तो भर अपने। चलिए, बाकी कैसी रही क्लास ओवरऑल? अच्छा। चलिए ठीक, कंटिन्यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? अक्षय सिंह, बिहार से। अच्छा जी, बिहार से आप मध्य प्रदेश जबलपुर आप आए। तो कैसा रहा डिसीजन आपका ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करने? बहुत अच्छा सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5-6 साल से काम कर रहे हैं। 5-6 सालों से क्या काम कर रहे थे? बस ऐसे चार्जिंग कनेक्टर लगाते थे, डिस्प्ले लगाते थे, ओसीए सब चिपकाते थे। तो कॉम्प्लेंट का इतना डीप नॉलेज था आपको? जी नहीं सर, कॉम्प्लेंट का डीप नॉलेज नहीं था। नहीं था। अभी कॉम्प्लेंट का नॉलेज कैसा लग रहा है? आज जो देव सर पढ़ाए
सुबह के क्लास बहुत अच्छे सर, जिसमें कि कंपोनेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, आज सारे समझ में आ गए हैं, सारे समझ में आ गए। और थर्मिस्टर ढूंढने को बोले सर तो मुश्किल से 5-10 मिनट लगे। ढूंढ लेंगे बिना डायग्राम के, डायग्राम के बिना डायग्राम के। कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी सर। ठीक है, कंटिन्यू। और अपना नाम और आप कहाँ से? मैं सूरज हूँ, दिल्ली से। सूरज जी, जी। बताइए आज पहले दिन क्लास कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। इतना कॉम्प्रेंट का डीप नॉलेज क्या यूट्यूब या गूगल पे मिल जाएगा? नहीं सर। तो कैसी रही अभी क्लास? बहुत बढ़िया सर। तो मैं बहुत बढ़िया से रिलेटेड तभी होता है जब नॉलेज कुछ सीखने को मिलता है। बहुत तो कुछ सीखने को मिला। एक दिन की क्लास हुई है, एक दिन में बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। रजिस्टर अगर एक सीरीज वाला रजिस्टर सीपीयू के पास का निकल जाए तो एक रजिस्टर से भी फोन डेड हो सकता है। यस। ये पता चला अभी आपको? हाँ जी, चेक किया। थर्मिस्टर कितना समय में फाइंड आउट कर पाएंगे? 3 मिनट में कर पाएंगे। यस। उसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिना डायग्राम की कर पाएंगे। तो कैसी चल रही क्लास? पहले दिन क्लास अभी हुई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल चल रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए। मेरा नाम सोनू है, मैं हरियाणा से हूँ। सोनू, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, जबलपुर, इतनी दूर आप ऐसे टेलीकॉम, कैसे, क्या डिसीजन रहा आपका यहाँ आने का? मतलब कैसा, क्या, कहाँ से देखा था? यूट्यूब, फेसबुक? सर यूट्यूब पे देखा था मैंने। यूट्यूब पे देखा था। यस। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं सर 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। 3-4 सालों से काम कर रहे थे। तो क्या ये कॉम्प्रेंट का इतना डीप नॉलेज था अभी आप? नहीं सर, तो सिर्फ वैसे पोंगो डिस्प्ले वगैरह करते थे इतना। ओके, तो अभी कॉम्प्रेंट से रिलेटेड कोई थॉट आता है आपके पास तो कितना समय लगेगा फाइंड आउट करने में? ज़्यादा ज़्यादा सर 5-10 मिनट बस। मतलब कोई भी रजिस्टर ओपन हो गया है या क्या, जो भी कंडीशन बन रही है उसको आप पता कर पाएंगे? यस सर। एच बी आर है, एल बी आर है, पता कर पाएंगे? और थर्मिस्टर कितना टाइम लगेगा? 3-4 मिनट बस। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी? नो सर, बिना डायग्राम की। बिना डायग्राम के। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम शुभम शर्मा है, पंजाब से, जलंधर से। शुभम जी, आप एमपी, मध्य प्रदेश, इतनी दूर आए यहाँ पे ऐसे टेलीकॉम? यस सर। तो पहला दिन क्लास कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। डिसीजन कैसा रहा कि सीखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा रहा सर, बिल्कुल सही डिसीजन रहा सर जी। तो यहाँ पे आज कॉम्प्रेंट की क्लास अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, कल भी हमारी कॉम्प्रेंट की क्लास है। यस सर। तो अभी केवल रजिस्टर, कैपेसिटर और थर्मिस्टर के बारे में बताया गया है, कैसी ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही सर। सर ने एक एक ट्रिक बताया, जो थर्मिस्टर के बारे में सबको बताया, 3 मिनट में मतलब ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं? यस सर। पहले काम करते थे? यस सर, करता था। कितने सालों से कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। ये 5 साल का एक्सपीरियंस और ये एक दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉम्प्रेंट सर? ये तो एक दिन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। पहले कॉम्बो ही जोड़ते थे बस, आई सी पे कभी काम नहीं किया, पहले दिन ही आई सी रिकॉल कर दी। कर दिया आपने? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल 10 बार कर दिया कमेंट। झूठ बोल रहे हैं? नो सर। चलिए ठीक है, लाइव करके दिखा सकता हूँ अभी सर। ओके, थैंक यू। एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम है राजकुमार तपोसदास, मैं महाराष्ट्र से हूँ। राजकुमार जी, महाराष्ट्र से दूर इससे टेलीकॉम आपने ज्वाइन किया, कितने सालों का काम कर रहे हैं आप इस सर? लगभग 8-9 साल हो गए। 8 साल से काम कर रहे हैं, बताइए 8 साल का एक्सपीरियंस और ये एक दिन का कॉम्प्रेंट है क्लास कैसा रहा? सर आज एक दिन का क्लास बहुत ही बेहतर रहा सर, कंपोनेंट्स वगैरह ट्रेसिंग। तो क्या इतना नॉलेज था कॉम्प्रेंट का आपको? नहीं ना सर। कॉम्प्रेंट एच बी आर, एल वी आर, उसको पहचानना, उसके काम को सब पता चला अभी आपको? हाँ सर। थर्मिस्टर के बारे में जाना आपने? हाँ सर। कैपेसिटर के बारे में, उसको डायग्राम में कैसे पढ़ते हैं सब पता चला? हाँ सर। उसके सिंबल्स क्या होते हैं सब पता चला अभी? हाँ सर। उसको मान क्या होता है, किस मान से बोलते हैं, वो भी पता चला? हाँ सर। कैसी रही पहले दिन क्लास? बहुत ही ज़बरदस्त सर। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? हाँ सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। सर मेरा नाम इरफान शेख है और मैं इंदौर एमपी से हूँ। अच्छा, आप तो पास से ही हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो कैसे पता चला कि ऐसे टेलीकॉम यहाँ जबलपुर में है? सर मैंने फेसबुक पे देखा, काफ़ी अच्छी रीडिंग रही सर की, सिखाने की ट्रिक वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जी, जिसके कारण मेरे को देख के ऐसा लगा कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, आपने फेसबुक देखा था और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ तो कैसा लग रहा है कि सर मेरे को क्या? मेरा सेकंड डे पर मुझे काफ़ी नॉलेज जो पिछला मेरे को 5-7 साल का था वो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ कचरा था। अब मैं मोबाइल लाइन में, अब मैंने एंट्री की है मेरी लाइफ में, जब से तो मैं खाली टाइम ही ख़राब कर रहा था। तो पहले दिन क्लास कैसा रहा आपका कॉम्प्रेंट? सर जबरदस्त, पहले दिन में सुबह 8 बजे ही मेरे को सर ने एंट्री कराई और बॉलिंग करा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सारा अनुभव अब चालू हुआ है, मोबाइल लाइन क्या होती है मेरे को अब देखने को मिला है। 30 दिन देखने वाले हैं। यस सर। थैंक यू सर। सोनू जी बताइए, हरियाणा से इतनी दूर आ पाए ऐसे टेलीकॉम, पहले दिन देव सर के साथ कॉम्प्रेंट क्लास कैसी रही? मेरे को इनके बारे में कंपोनेंट और आईसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आज पहली बार ही मैंने
आईसी बोल करके देखा। तो आप फ्रेशर थे या इससे पहले काम करते थे? नहीं, फ्रेशर था, पहली बार ही काम किया। अच्छा, बहुत अच्छा थे आप बिल्कुल, मतलब स्पीड में नहीं थे आप? नहीं सर। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कुछ नहीं, पढ़ाई करता था। अच्छा, पढ़ाई करते थे, तो डायरेक्ट इस फील्ड में कैसे स्विच किया? मैंने सोचा था कुछ तो करना है। मैं एशिया टेलीकॉम देखती थी ऑनलाइन, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम भी चला था, उस पर भी देखना चाहता था। इंस्टाग्राम पर एज अ फ्रेशर आपने सीपीयू, आपने आईसी रिकॉल किया जब? हाँ जी सर। और कंप्लेंट के बारे में तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहली बार ही बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पता चल रहा है। प्रैक्टिकल लेने को मिल रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? रामू है, चेन्नई। बताइए आज पहले दिन की कंपोनेंट क्लास कैसी रही? अच्छा मीन्स जो आप सोचे थे कि नॉलेज के साथ, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कम्फर्टेबल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जो जो आया सीखने के लिए, जो पहले 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 दिन शुरू किया था। तो सुबह आपने आईसी पे काम किया? आईसी रिबोल किया था। तो उसके बाद फिर दूसरे के साथ कॉम्प्लेंट की क्लास थी, कैसी थी क्लास? वो अच्छा था, रेजिडेंस का क्या है, सारे बस तो के हाई वैल्यू है, लो वैल्यू है, हाई वैल्यू है, थर्मिस्टर क्या है, उससे काम क्या होता है, कहाँ पे लगा हो सकता है, सब कुछ पता चला। सब कुछ पता चला। कैसी ओवरऑल क्लास? अच्छा था। चलिए साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम विजय है। बताइए आज सुबह आप जब आए मॉर्निंग में, जी सर, आपने रिबॉल किया था? जी सर, मैंने कितने बार रिबॉल किया? मैंने 5 बार आईसी रिबॉल की है। इससे पहले किया है आपने? नहीं, मैंने आईसी रिबॉल कभी नहीं की है। 5 टाइम आपने किया है? 5 टाइम किया है। कोई दिक्कत आया अभी आपको? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी रही, उसने सब अच्छा तरीके समझाया। थर्मिस्टर के बारे में कितना टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में? बस 3 महीने में ढूंढूंगा थर्मिस्टर। तो उसके लिए डायग्राम जरूरत पड़ेगी या बिना डायग्राम? नहीं नहीं, ट्रिक ऐसी है तो नहीं मिलेगा, डायग्राम में जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? जी, प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है। कैसी रही फर्स्ट डे की क्लास? बहुत अच्छी रही। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? हरदीप सिंह, पंजाब से। हरदीप जी, बताइए कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? काम 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे थे जी। तो 5 साल में ये पहले दिन की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। सुबह जब आप मॉर्निंग में आए तो उससे पहले आपने क्या किया था सुबह मॉर्निंग में? सर, हमने सीपीयू रिबॉल किया, ईएमसी रिबॉल किया। ईएमसी रिबॉल किया, कल आप सीपीयू रिबॉल करने वाले हैं जी। तो मैं बात करूँ उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास रही कॉम्पोनेंट की, वो कैसी रही? कॉम्पोनेंट बहुत अच्छा रहा, हमें मालूम था बट वैल्यू नहीं पता था किसकी कैसी वैल्यू है, कैसे चेक करना है। थर्मिस्टर के बारे में बताइए। थर्मिस्टर की वैल्यू 30 से 90 के बीच है। पूछना नहीं है, आपको पता था पहले कि नहीं था? नहीं सर, थर्मिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता था। तो लोग तो डायग्राम से ढूंढते हैं, आपने भी डायग्राम यूज़ किया होगा? नहीं नहीं सर, ऐसे सर ने बता दिया, ट्रिक बता दी है, बिना डायग्राम के आपने ढूंढ लिया? जी बिल्कुल ढूंढ लिया। कैसी रही पहले दिन क्लास? बहुत अच्छी, बहुत अभी अच्छी। तो कल भी कॉम्प्लेंट क्लास है और पूरा एक रिविजन होने वाला है जी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। मैं गुड्डू कुमार, बिहार समस्तीपुर से। गुड्डू जी बताइए, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? सर इस फील्ड में तो 1.5 साल से काम, 2 साल से करते थे, वही चार्जिंग सीसी सब वगैरह बदलते थे। जी जी जी। तो फिर क्या आपने सोचा कि चलो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं, क्या सोच के आए थे? हमको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना था, इसलिए हम एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए। चलिए, आते ही आपने आईसी पे काम किया, रिबॉलिंग पे काम किया, सर आपने काम किया कि नहीं किया? ये सर कितनी बार किया? हम 7 बार, 7 बार रिबॉल किए। गुड बोल रहे हैं सर, 7 बार। सच बोल रहे हैं? सच बोल। चलिए उसके बाद बताइए देव सर के साथ कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? बहुत अच्छी। समझ में आ रहा था? यस सर। इतने साल जो पढ़ा रहे हैं समझ में ना आ रहा? समझ में आ रही है जी। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए। प्रशांत रेड्डी है तेलंगाना से। जी प्रशांत जी, आपने हम जो आपका लोगों से मुलाकात होने के लिए, आपका बारे में बोलने के लिए, हम तेलुगु में बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बोले तो हम सब लोग हिंदी में बात करें तो तेलुगु वाले भी समझ में नहीं आने के लिए मैं तेलुगु बात कर लेता हूँ। ओके ओके। నా పేరు ప్రశాంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన. వచ్చేటప్పుడు బేసిక్గా ఏంటంటే డిస్ప్లేలు, బ్యాటరీలు, ఛార్జింగ్ కనెక్టర్లు ఇలాంటివి వేసేవాడిని. బట్ ఓవర్గా తెలుసుకోవడానికి, డీప్గా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి గత 6 మంత్స్ నుంచి నేను ఏషియా టెలికామ్ని ఫాలో అవుతున్నా, తెలుసుకున్నా. 6 మహినే ఫాలో కర్రైతే తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన. 1 డేలోనే ఐసీ రిబాలింగ్ చేయడం నేర్పించింది. ఏక్ దిన్ మే నయ హోతా కమ్ సే కమ్ 2 ఘంటే మే ఐసీ రిబాల్ కర్నే కే లియే హమ్ సీఖ్ లియా. जी दियो सर के साथ कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? समझ में नहीं आया। दियो सर के साथ कैसे रही कॉम्प्लेंट की क्लास? कंपोनेंट की क्लास 2 घंटे चला लिया, 3 घंटे से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं आसाम से। जी अब्दुल जी बताइए, आसाम से कैसे टेलीकॉम इतनी दूर आ पाए यहाँ पे? जो आप सोचे थे यहाँ पे जाएंगे और कुछ सीखने को मिलेगा, तो फर्स्ट दिन में ही आपने आईसी पे काम किया?
जी सर, मैं तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कितनी बार आपने किया, आप शायद बिलीव ही नहीं करेंगे, ये मेरा जो ट्वीज़र है ये आज पहली बार पकड़ा मैं। सच में बोल रहे हैं? जी सर, और पहली बार पकड़ के मैंने आज सुबह आईसीआरई बॉलिंग कर दिया 3 बार, उसका बाद देव सर का क्लास हुआ कंपोनेंट्स के ऊपर, और अभी एमडी सर ने हम लोगों को कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने को सिखा दिया है। तो कैसे भी ओवरऑल क्लास बहुत अच्छा सर, मैं मतलब अब आगे लग रहा है सीखने को मिलेगा यहाँ पे। एक ही दिन में अगर मतलब आईसीआर रिबॉलिंग कर सकते हैं तो बाकी तो 3 दिन में बाकी है। निकाल के लगा देंगे। जी जी ओके, बेस्ट कंपोनेंट। आज सर मेरा पहला क्लास है। जी जी, और सर एमडी सर हमारे जो ट्रिक दिए हैं ईएमसी का रिबॉलिंग का, बहुत अच्छा ट्रिक है सर। मैं फ्रेशर हूँ सर, फर्स्ट एटम में सर मैं एमएमसी रिबॉलिंग किए हैं सर। तो अगर बात करूँ फिर उसका देव सर के साथ कैसे निकला? देव सर के सर, देव सर के सर बहुत अच्छा क्लास हुआ है आज कंपोनेंट का। जी, बहुत अच्छे तरह सर समझाते तो हैं। मैं बात करूं एलवीआर एचवीआर के बारे में, इसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे? यस सर कर पाएंगे। मिस्टर को कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? सर 2-3 मिनट सर। ढूंढ पाएंगे? यस सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? फ्रेशर है सर हम। फ्रेशर है? फ्रेशर है। एज अ फ्रेशर आपने काम किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। और आपका नाम और आप कहाँ से? मैं सर नेपाल से हूँ, मेरा नाम दिलीप चौधरी है सर। दिलीप जी बताइए, आज पहले दिन में सुबह जब मॉर्निंग में आया तो क्या किया आपने? हमने सर ईएमएमसी को 5 बार रिबॉलिंग करके सक्सेस कर दिया सर। तो इससे पहले आप करते थे इसका मतलब? पहले छोटा छोटा करता था सर, पर सक्सेस नहीं होता था। जी जी। यहाँ पर आया तो एकदम 100% सक्सेस हो गया सर। सक्सेस हो गया यहाँ पे? यस सर। फिर उसका देव सर के साथ कैसे ये कॉम्प्लीट किया? अरे सर वो देव सर के साथ तो एकदम बहुत अच्छा हुआ, पूरा कन्फ्यूजन ही दूर हो गया सर। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम मिल रहा है सर। थर्मिस्टर कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? हमें सर 2 मिनट में ढूंढ लूँगा सर। ढूंढ लेंगे आप? यस सर। डायग्राम बिना डायग्राम? विथआउट डायग्राम सर। स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं तो किशोर कुमार साहू सर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। छत्तीसगढ़, चलिए पास से ही है आप तो। बताइए कैसा रहा फर्स्ट डे की क्लास? बहुत अच्छा था सर। अच्छा मीन्स कैसा अच्छा? कि आप ये था कि मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जी जी ऐसा था कि उसमें कोई अनुभव नहीं था जी। दुकानदारी तो कर रहे थे लेकिन ऐसा है कि सेट हमसे बिगड़ जाते थे जी। मतलब ना तो हमें वोल्टेज का पता था, ना तो कहाँ पे कौन सा क्या, मतलब कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ये इसकी कोई जानकारी नहीं थी हमको। ओके, और रिबॉलिंग के बारे में? रिबॉलिंग थोड़ा मोड़ा करता था लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाता था। और यहाँ पे कितनी बार किया? यहाँ मैं आधे घंटे में सात बार कर रहा हूँ। नहीं सर सही बोल रहा हूँ जी सर। और देव सर के साथ कैसे रहे कॉम्पिटिशन क्लास? देव सर तो बोला जाए तो गॉड है मोबाइल के। चलिए आप प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है जी। साथ एक्सटेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सुधीर पुणे से। तो इनके साथ भी पहले तो मैं इनके जज्बे के लिए बोलना चाहूँगा कि अभी इनका ऑपरेशन हुआ है और ये देख सकते हैं काम सीखने के लिए। आप रेस्ट भी तो कर सकते हैं जी, तो काम सीखने के लिए देख सकते हैं इतने दूर से आए। कैसे रही फर्स्ट डे की क्लास? बेस्ट रही यहाँ पे। सुबह आपने आईसीआर बॉलिंग किया? यस। कितनी बार किया? 5 बार किया यहाँ पे। तो 5 बार इससे पहले करते थे आप? नहीं करते थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5 टाइम आपने किया, फिर देव सर के साथ कॉम्प्लेंट क्लास कैसी रही? एकदम बेस्ट। अच्छा रहा यहाँ पे कॉम्प्लेंट से थर्मिस्टर आपने ढूंढा यहाँ पे प्रैक्टिकल? तो कैसी रही क्लास ओवरऑल? एकदम बेस्ट। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। सर नितिन वर्मा बनारस से। नितिन जी बनारस से हैं, तो बताइए कैसे रही आज हमारी फर्स्ट क्लास? क्लास सर बहुत बढ़िया थी। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं सर? अभी तो 1 साल हुआ, इसमें से चार्जिंग केबल वगैरह बस चार्जर बेच रहा है। कहाँ से? मतलब मेन मंडी से है तो मार्केट है? मार्केट से 2 किलोमीटर दूर पर। मार्केट से 2 किलोमीटर? मेन BHU के पास। BHU के पास है, वहाँ से दाल मंडी के आसपास ही कोई ऐसा दुकान है? दाल मंडी में 1-2 हैं बस, वो MMC बदल दे रहा है, अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बस वहाँ पे जाके अपना नाम रोशन करने वाले। एकदम एकदम एकदम। तो बताइए कैसी लगी क्लास फर्स्ट डे की? फर्स्ट डे की बहुत बढ़िया सर। आईसी तो अभी कभी रिवॉल्व किए ही नहीं थे, आज 6 बार किए हैं। 6 बार की? 6 बार। और देव सर के साथ बहुत बढ़िया। मार्च के बीच कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो आज हमारा क्लास का शुरुआत कब से हुआ? आज से। बोर्डिंग में? यस सर। बोर्डिंग में कितनी बजे से? 8 बजे सर। आप 8 बजे आए यहाँ पे? यस सर। आपको 8 बजे का टाइम दिया था? यस सर। आप 8 बजे आए? यस सर। 8 बजे आपकी क्लास की शुरुआत हुई? यस सर।
तो सबसे पहले आपने क्या किया? अगर मैं बोलूं कि दुनिया की कोई सी भी आईसी अगर आपको प्रॉपर स्टेंसिल के साथ देता हूं तो आप रिवॉल्व कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। तो आज आईसी आपने कितनी बार रिवॉल्व किया? कितनी बार किया? सब ने किया? कोई ऐसा बंदा जिसने तुक्के में कर दिया हो? प्रॉपर तरीके से किया? प्रॉपर तरीके से? अच्छा, उसके बाद क्लास किसके साथ थी दोपहर में आपकी? खाने का ब्रेक मैंने 3 घंटे का दिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का दिया, कितने घंटे का? 10 से 15 मिनट का। किसी ने खाना खाया होगा, किसी ने ईमानदारी से खाना नहीं खाया होगा, सही बात है। तो पढ़ने आए कि खाने आए? अपन पढ़ने खाने दूसरी बात, आपकी क्लास जिनको आप देख के यहाँ पे आए हो, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर जो एशिया टेलीकॉम के सीईओ है, ऑनर भी है और दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है, फेस सबसे पहले आपने आज जीवन में पहली बार उनको फेस करा, तो कैसा लगा उनके साथ? जबरदस्त जबरदस्त। एनर्जी का लेवल क्या था? बहुत ज्यादा। तो टीचर में 100% नहीं होगा तो स्टूडेंट में आएगा क्या? नहीं। अच्छा, और उसके बाद जब आपकी क्लास हुई देव सर के साथ, कंपोनेंट का नॉलेज किस प्रकार से मिला आपको? बहुत बहुत अच्छा सर। एवरेज लेवल मिला आपको? यस सर। एक रजिस्टर से सीपीयू मतलब मोबाइल भी डेड हो सकता है? यस सर। मालूम पड़ा? यस सर। और साथ में ये भी मालूम पड़ा कैपेसिटर का काम क्या होता है? यस सर। कंपोनेंट 1 की क्लास थी, 2 की कल है आपकी। यस सर। तो जो भी मिला आपको कैसा मिला आज का? बहुत बढ़िया। बेस्ट मिला आपको? बेस्ट सर। कैसा कोई स्टूडेंट जिसको बेस्ट नील मिलाओ? नो सर। नो सर। आला भी हो सबसे पूछ रहा हूँ मैं। नो सर। सबको मिला? यस सर। एक एक को मिला? यस सर। कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। फिर उसके बाद क्या क्लास थी आपकी देव सर के बाद? प्रैक्टिकल। तो सर ये प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर देव सर ने प्रैक्टिकल का प्रावधान रखा है और यहाँ पे टीचर को बिठाया है तो टीचर में दम है कि नहीं है? और ट्रेनर में दम है? टीम में दम है? कितना जरूरी था देव सर का ये डिसीजन कि सर जो कोर्स अगर आपको देव सर पढ़ा रहे हैं वो उसका प्रैक्टिकल होना नहायत ही जरूरी है? yes, sir. तो डिसीजन सही है उनका? yes, sir. और सर खाली क्या थ्योरी पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल करके भी? विद प्रैक्टिकल होता है? yes, sir. 100%. तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आपसे। जी थोड़ा नाम बताइए आप कहाँ से? गौरव सिंह आजमगढ़। गौरव सिंह आजमगढ़। तो आप गौरव सिंह सवेरे से लेके शाम तक क्या कहानी रही आपकी, थोड़ी सी बताइए आप। सर सुबह 8 बजे से लेके और अभी तक मैं आईसी रिबॉलिंग का सीखा मैंने। और कितनी बार करी आपने आईसी? 6 बार करी। देखो आईसी रिबॉलिंग करना ठीक जरूरी वो भी है। अब ये बताइए देव सर के साथ जो आपकी कंपोनेंट की क्लास थी क्या लेवल था पढ़ाने का? एक्सट्रीम लेवल था सर। अगर यही क्लास अगर आप दुनिया के किसी टीचर से लेते या दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके मिलते तो क्या आपको वो नॉलेज मिल पाता? नहीं मिल पाता। कारण? नॉलेज नहीं रहेगा उनके पास। उनके पास नॉलेज नहीं रहेगा। अगर देव सर का अगर 10 साल का अनुभव है तो 10 साल का पूरा अनुभव शेयर किया उन्होंने आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लैपटॉप देख के डायग्राम देख के पढ़ाया क्या आपको? विदाउट डायग्राम। विदाउट डायग्राम पढ़ाया? विद प्रैक्टिकल। विद प्रैक्टिकल जी सर। क्या बोलेंगे सर के लिए? थैंक यू सो मच बोलेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। प्रशांत रेड्डी सर। प्रशांत रेड्डी, वेयर इन फ्रॉम? तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना में भाई हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, वहाँ क्यों नहीं गए? जबलपुर क्यों? इसी नॉलेज जो उधर नहीं है और एक इतना अच्छा से प्रैक्टिस उधर नहीं मिलेगा। अच्छा। यस सर। भरोसा है आपको पूरा? यस सर। फीडबैक लिया आपने? यस सर। फीडबैक लेने के बाद आप इतनी दूर आए हो, आप अपना इतना क्षेत्र छोड़ के आप इतनी दूर आए हो? यस सर। अच्छा, सेकंड बात ये पूछना चाहूंगा आपको मैं कि सवेरे आपने आप इसके पहले आईसीयू पे काम करते थे? नहीं सर। नहीं करते थे कभी भी? किस फील्ड से हो आप? मैं मोबाइल फील्ड से। मोबाइल फील्ड से हो, पर बाकी कभी आईसी पे काम नहीं किया? तो आज आपने कितनी बार आईसी को बनाया आपने? 5 बार। 5 बार बनाया? कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। कि तुक्के के साथ? नहीं सर, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ। आप सेकंड टाइम सेकंड हाफ में आपकी क्लास थी देव सर के साथ? यस सर। तो क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? एक्सट्रीम लेवल है, अच्छा से पढ़ा लिया, अच्छा से दिमाग खोल के सुनने के लिए मौका दिया सर को। तो क्या बोलना चाहोगे देव सर के लिए? एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए खुश हूं। और शाम की आपकी प्रैक्टिकल की क्लास थी? यस सर। प्रैक्टिकल की क्लास,
अब ये बताइए, अगर मोबाइल की पीसीबी में अगर आपको मैं थर्मिस्टर ढूंढने का बोलता हूँ, दुनिया की कोई सी भी पीसीबी दे दूँ और थर्मिस्टर ढूंढने का बोलता हूँ, तो आप ढूंढ सकते हो? दो मिनट में ढूंढ के दिखाता हूँ। बड़ी बात बोल रहे हो आप। यस सर। दस साल वाला बंदा भी दो मिनट में नहीं ढूंढ सकता, आप बोल रहे हो कि मैं ढूंढ सकता हूँ? दो मिनट। तो वो नॉलेज, वो स्किल आपको मिला है? यस सर। मिला है आपको? यस सर। अगर मैं बोलूँ कि आप मोबाइल की पीसीबी में से 15 हाई वैल्यू का रजिस्टर निकाल के दे दो, तो निकाल सकते हो आप? यस सर। मैं बोलूंगा कि लो वैल्यू का रजिस्टर निकाल के दे दो, निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हैं। वो सेंस है आपके पास? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, तो हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सोनू हरियाणा से। सोनू हरियाणा से। सोनू, क्या देखो पंजाब भी पास में था इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आप वहाँ जा सकते थे, दिल्ली या नजदीक पड़ता था वहाँ जा सकते थे। एशिया टेलीकॉम पे ट्रस्ट क्यों, और एशिया टेलीकॉम पे अगर आपने ट्रस्ट किया है तो आपको आज रिजल्ट क्या मिला उसका? मेरे को आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। सुबह से 8 बजे ही क्लास शुरू हुई थी और देव सर ने बहुत अच्छे से समझाया हमको कॉम्पोनेंट के बारे में, 1 घंटे के अंदर ही सीख गए थे। और आईसी रिबल की 5 बारी जिसको हम आधे घंटे के अंदर सीख गए थे, और हम 3 घंटे से प्रैक्टिस की क्लास ले रहे थे शाम से। अच्छा। और अभी तक चल रही थी हमारी क्लास। चल रही है। तो यही सोच के आए थे? यस सर। जो सोच के आए मिला कि नहीं मिला आपको? बहुत ज़्यादा मिला सर। ज़्यादा मिला? यस सर। इस लेवल का सोचा था आपने? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं गुड्डू बिहार समस्तीपुर से। हाँ गुड्डू बताइए। आज सुबह 8 बजे आए जी, तो CPU रिवॉल्व किए जी, और देव सर के साथ क्लास था। कितनी बार किया आपने? CPU MNC रिवॉल्व 7 बार। 7 बार किया। इसके पहले कभी करा था क्या? नहीं। तो 2 घंटे में 1.5 घंटे में क्या मिल गया आपको ऐसा कि आपने? ट्रिक सर, ट्रिक परफेक्ट ट्रिक। परफेक्ट ट्रिक। यस। चलिए, अब सेकंड टाइम आप सेकंड हाफ आपकी क्लास थी देव सर के साथ। यस सर। क्या नॉलेज है, क्या लेवल का नॉलेज है? हाई लेवल का नॉलेज है सर। सर ने बताया बहुत हाई लेवल का। अच्छा, एक एक चीज का प्रैक्टिकल बताया आपको? यस सर। पूरी चीजें दिमाग में घुसी आपके? यस सर। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास थी? यस सर। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपको? कंपोनेंट के बारे में सर जो बताए थे उसका प्रैक्टिस किए, और उसका मतलब खोजे समझे। अगर मैं बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो तो बता सकते हो? हाँ, 2 मिनट में। 2 मिनट में? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, चलिए हमारे साथ अनादर स्टूडेंट है, हरदीप सिंह पंजाब तो। हरदीप सिंह पंजाब से जी। भाई पंजाब से जबलपुर, बड़ी जगह को छोड़ के जबलपुर छोटी सी जगह में, चाहते तो दिल्ली जा सकते थे, पंजाब में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबलपुर पे विश्वास कैसे, और अगर विश्वास किया आपने तो आज आपको विश्वास में पहले दिन आपको क्या मिला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% मिला। सुबह से लेकर 8 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 9 बज गए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जो इंस्टीट्यूट का काम होता है 4 घंटे 5 घंटे की क्लास देना, 12 से 5 पढ़ाना और नमस्ते कर देना जी, बिल्कुल है ना। तो क्या क्या गरज है कि ऐसे टेलीकॉम के टीचर होगा कि सवेरे उठ के आते हैं और तुमको सवेरे से क्लास देते हैं? सर हमको परफेक्ट बनाने के लिए वो सुबह से लेके शाम तक क्लास देते हैं। अगर एशिया टेलीकॉम में अगर पंजाब से कोई आना चाहे तो ईमानदारी से बताइए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? अरे आ सकता है, 100% आए और यहाँ से फुल नॉलेज लेके जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ सर, मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी। और यहाँ पर आके सुबह 8 बजे से अभी तक हूँ, और हमने शुरू में यहाँ पर आके 5 बार EMMC को रिवॉल्व किया सर जी। तब जाके देव सर से वो क्लास हुई हमारा जी। और हमारा देव सर से क्लास होके डीप नॉलेज मिला सर। अच्छा, तो क्या लेवल का नॉलेज मिला, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा था? अगर यही क्लास अगर आप दूसरे टीचर से लेते तो क्या आपको इतना प्लेजर मिल पाता क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाता सर। जो देव सर के एनर्जी है और क्लास देने का जो तरीका है एकदम 100% ओके है सर। अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल करने का टाइम मिला, आपने पूरा प्रैक्टिकल करा? पूरी क्लास वो पूरी टाइम मिला सर। पूरा टाइम मिला? यस सर। अगर आपको अगर सैमसंग की पीसीबी दे दी जाए या चाइनीज पीसीबी दे दी जाए या मीडियाटेक की दे दी जाए या क्वालकॉम की दे दी जाए तो आप थर्मिस्टर को ढूंढ सकते हो, रजिस्टर को ढूंढ सकते हो, बिल्कुल कैपेसिटर की रेटिंग निकाल सकते हो आप। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सर। नमस्कार, मैं अब्दुल खान आसम से। नमस्ते जी, जी अब्दुल बताइए। सर सुबह 8 बजे से क्लास हो रहा है जी, और मैं एक फ्रेशर हूँ, और ज़्यादा मैं एक ही बात बोलूँगा मैं कि आज मैंने पहली बार ट्वीज़र पकड़ा है। ओ, एक क्लैपिंग कर दो इनके लिए भाई। और फिर आपसे आईसी पे तो काम हुआ नहीं हुआ? सर 4 बार खोल के लगा दिया मैंने। खोल के 4 बार लगा कर दिए सर? 4 बार। कैसा लगा था? मतलब पैर कांप रहे थे, बस क्या बोलूँ मैं। अच्छा। सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा
फ्रेशर एक आईसी का काम एक ही दिन में, आज पहला दिन है, आज ही कर लेगा रिबॉलिंग, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हो। प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें क्लियर है आपकी, अंडरस्टैंडिंग हो, क्या बोलेंगे सर के लिए और एशिया टेलीकॉम के लिए? जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं, आ सकते हैं कि आना ही चाहिए? आना ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर ट्विजर आज पहली बार पकड़ा, मैं आईसी रिबॉलिंग कर सकता हूँ, तो आप सोच सकते हैं क्या है एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अंदर जाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से सर, किशोर कुमार साहू जी, और मैं 2-3 साल से मोबाइल का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डीप जानकारी नहीं थी जी। हमारे द्वारा ऐसा था कि मोबाइल आता था और हमें मतलब उसके न तो उसके ओल्ड मालूम थे, न तो कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन यहाँ सर मैं आपको और एशिया टेलीकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट 3 से 4 घंटा ही पढ़ाएगा, और हम आज अभी सुबह 8 बजे से आए थे और अभी लगभग लगभग 9:30 बज चुके हैं, लगभग लगभग 13-14 घंटा हो गए हमें पढ़ते हुए। बराबर। तो इसलिए मैं आप मतलब एशिया टेलीकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और एक चीज़ और है सर, तो पूरा सागर है जो देव सर है, पूरे सागर है जो सिलेबस में नहीं होता, वो चीज़ की भी जानकारी हमको मिली है। मतलब इतने दिनों से, मतलब लगभग लगभग इतने दिनों से कर रहा हूँ मैं, उस चीज़ की मेरे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मैं सुना भी नहीं था उस चीज़ के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ होता क्या चीज़ है। बराबर है जी सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी सर। धन्यवाद सर। सर मैं नितिन वर्मा, बनारस से सर। हाँ जी। और सर हम आज यहाँ पे सुबह 8 बजे हैं और 10 बजे तक प्रैक्टिकल किए हैं, 5 से 6 बार सीपीयू रिबॉलिंग किए हैं जी। अब पहली बार मतलब मोबाइल का सीपीयू रिबॉल किए हैं पहली बार, मोबाइल लाइन में है तो 1 साल से, लेकिन आईटी वाला काम पहली बार किए। तो डर निकला वो? बहुत, एक ही बार में निकल गया। एक ही बार में निकल गया। कितनी बार रिवॉल्व किया आपने? 6 बार, पीछे आप लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ है मेरे। अच्छा, दूसरी बात ये पूछूंगा कि आज आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट आप जीवन भर से देख रहे थे? यस सर। तो आज के कंपोनेंट के देखने में और जीवन भर से जो देख रहे थे उसमें क्या फर्क था? देव सर एकदम जीरो से पढ़ाना शुरू किया था, उसका जो पढ़ाएं उसका प्रैक्टिकल भी कराएं सर अच्छे से जी, और समझ में भी आया। समझ में आया। अभी 9 बज रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। अभी तक कर रहे हैं सर। तो प्रैक्टिकल आपने पूरा किया? यस सर। अगर मैं बात करूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ तो आप ढूंढ लेंगे। कितनी देर लगेगी आपको पूरी पीसीबी में? 3-4 मिनट। 3-4 मिनट में ढूंढ लेंगे आप पीसीबी में। आपको ये पता है कि पीसीबी में थर्मिस्टर कहाँ आता है? हाँ हाँ। किस सेक्शन में लगा हुआ था? बहुत जगह। उसकी पहचान क्या है, उसकी टेस्टिंग क्या है? यस सर, पूरी पहचान है आपको? हाँ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक। आते जाइए। नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। आज आपका पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, तो पहले दिन की शुरुआत 8 बजे से हुई आपकी, तो 8 बजे से लेके कैसा समय बीता आपका? बहुत क्या क्या सीखा आपने? आज तो रजिस्टर, कैपेसिटर और थर्मिस्टर, ये तीनों भी सीखे। तीनों सीखे। तो क्या लेवल की जानकारी मिली, डीप लेवल की मिली या? डीप लेवल की। अभी आप पीसीबी में थर्मिस्टर वगैरह सब ढूंढ सकते हैं आप? हाँ, ढूंढ। टेस्टिंग क्या होती है, पहचान क्या होती है, रजिस्टर की पहचान क्या होती है, कैपेसिटर की पहचान क्या होती है, थर्मिस्टर ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हैं, 2-3 मिनट में थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं। तो इतना नॉलेज एक दिन में कैसे? और सवेरे क्या क्या आपने आईसी रिवॉल्व किया आपने? हाँ, आईसी रिवॉल्व किया। कितनी बार करा? 5 बार किया। 5 बार किया। तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। ये पहली बार किया कि आप करते थे इसके पहले? पहली बार किया। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मेरा नाम राजेंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। जी राजेंद्र बताइए। जी सर, मैं सुबह 8 बजे आया, 8 बजे आके अपना ये मैम का बोल का रिबॉलिंग किया इसका जी। सर से कितनी बार किया रिबॉलिंग? 6 बार किया सर। 6 बार किया जी सर। तो कैसा लगा, परफेक्ट तरीके से हुआ कि तुक्के से हुआ? परफेक्ट तरीके से। उसके बाद आपके सेकंड हाफ में देव सर के साथ क्लास थी जी सर। तो फिर बताइए क्या हुआ? देव सर बोलूंगा कि उनके बोलने के लिए कुछ है नहीं अपना पास, जैसे कि गूंगा इधर ऐसे टैलेंट को मेरी चीज़ें गूंगा भी बोलने लगेगा इधर और अंधा भी देखने लगेगा, ये टैलेंट है ऐसे। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्लास में पूरा टाइम मिला आपको प्रैक्टिकल करने का? जी सर। कोई चीज़ छुट्टी हो आपसे? नो सर। नहीं, क्लियर बोलो ना। जी सर। लाइव हो आप? जी सर। लाइव हो आप? आप फीस देके बैठे हो मेरे से? जी सर। मैंने ना बिरयानी भी नहीं खिलाई आपको। नो सर। आप अपने दिल की बात बोलो ना। जी सर, दिल से बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं सुधीर पुना से। हाँ जी सुधीर बताइए। सुबह से क्लास चालू है जी? नहीं, अभी तक चालू ही है। चालू ही है। हाँ। तो आपको आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको काम करने में दिक्कत जा रही है? नहीं कुछ नहीं। दिक्कत नहीं जा रही? नहीं। तो आप सवेरे से क्या किया? आईसी रिबॉल किया, देव सर का क्लास अटेंड किया। देव सर के क्लास के बारे में थोड़ी सी बताएंगे आप मुझे कि क्या लेवल की आपको कंपोनेंट की क्लास मिली? अगर ये क्लास अगर कहीं तीसरी जगह जाके लेते तो क्या ये नॉलेज मिल पाता आपको? एक्चुअली मैंने पुणे में भी देखा, लेकिन कंपोनेंट के बारे में किसी को इतना नॉलेज भी नहीं और कोई सीखा था भी नहीं। अच्छा, तो
पूना छोड़ के हमको जबलपुर आना पड़ा, तो जो पूना छोड़ के अपन जबलपुर आए हैं, शॉप अपना क्लोज किया है हमने, हमने शॉप क्लोज किया है, परिवार से दूर आए हैं और थोड़े दिन ही, दो चार पाँच दिन ही, हम 30 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे, तो पहला दिन कैसा रहा? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, प्रैक्टिकल में आपने पूरा टाइम प्रैक्टिकल करा है यहाँ कि प्रैक्टिकल भी किया और थ्योरी भी सब में करी, प्रैक्टिकल में? अच्छा, प्रैक्टिकल में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत गई आपको? नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेस्ट। आपको पूरा डाउट्स वगैरह जो सारे क्लियर है? सब क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम उत्तम साहू है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ जी। आज सर मेरा 8 बजे से क्लास था सर मेरा जी, अभी रात के 9:15 होने वाला है सर जी। सुबह एमडी सर हमारे जो ट्रिक दिया है उससे हम आईसी रिबॉलिंग कैसे करेंगे, वो ट्रिक से हम फ्रेशर है सर जी। ठीक है सर, फ्रेशर है हम, हम आधा घंटे के अंदर एक पीस आईसी रिबॉलिंग करके सर को दिखाए, सर बोले ठीक है। फ्रेशर तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा आईसी रिबॉलिंग हम देखे नहीं, सर बोले जी। अच्छा, उसके बाद सर हम 5 बार आईसी रिबॉलिंग किए, उसके बाद देव सर का क्लास अटेंड किए जी, उसके बाद प्रैक्टिकल उनको देख के आओ आप, देख देव सर आपके आइडियल है, आइडियल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आप उनको देख के आओ। यस सर, आप और एक दिन से तो देखा नहीं होगा, नहीं सर, कई समय से देख रहे हैं आप उनको। यस सर, इसी फील्ड में, और उसके बाद आपने देख के आया, और जब आपने उनको वीडियो में देखा था, आपने मोबाइल में देखा था या टीवी में देखा था, यूट्यूब पे देखा था या फेसबुक में देखा था, और उसके बाद जब आपका आमना सामना हुआ कल, जो आज क्लास हुई आपकी, उसमें जब आपका आमना सामना हुआ, तो फिर क्या क्या नॉलेज कैसा मिला आपको? क्या यूट्यूब वाला नॉलेज मिला क्या आपको? नो सर, नो सर, यूट्यूब से सर 100 गुना ज़्यादा मिस्सी मिला सर, ऐसे मिला सर। उसके बाद सर प्रैक्टिकल का क्लास था हमारा, अब रात के 9 बजने वाले हैं सर, प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा है सर। चलिए ठीक है, कैसा लगा आपको ये पहला दिन? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मैं मयूर भाई है ना जी, गुजरात सूरत से। मयूर भाई गुजरात से आप? हाँ। तो मयूर आप गुजरात में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ भी जा सकते थे, और जाने के बाद आप वहाँ पढ़ सकते थे, तो इतना दूरी समय खराब और करके सब यहाँ आए हो, तो क्या मिला है? मैंने सर एक ही बात सोची थी, देव सर का मैंने एक बार इंटरव्यू पहले देखा था, और उनका 2-4 बार मैंने क्लास अटेंड ऐसे ही किया था जैसे यूट्यूब में आता है जी, तो मुझे ऐसा लगा कि भरोसा करना चाहिए, अच्छा लगा, और मैं आया, मुझे 1% नहीं 0.0% भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इधर आके गलती किया, इतना अच्छा आज पहले दिन में ही सिखा दिया कि आईसी रिबॉल करना, 5-10 बार आईसी रिबॉल किया, प्लस कंपोनेंट के बारे में जो कभी जाना ही नहीं था, कभी जानता ही नहीं था मैं, और नहीं मालूम था कि ऐसा भी आता है, उसके बारे में पूरी जानकारी डीप से मिली, प्रैक्टिकल करके भी मिली, तो इससे और ज़्यादा हो सकता नहीं है, और इसके बारे में मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इससे और कुछ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्ते, माइक लीजिए। मैं सर गुजरात से विष्णु जी हूँ, और मैं एशिया टेलीकॉम को दिल से सैल्यूट करता हूँ सर। तो सर मैं मुझे देव सर पर पूरा भरोसा था, और मुझे विश्वास था कि देव कहीं ना कहीं एक दिन, तो सर मैं बहुत मेहनत कर रहा था, और एक ना एक दिन सर देव सर से मेरी मुलाकात हो, और आज कल की डेट में मुझे देव सर से मुलाकात हुई, और देव सर ने जो अच्छे से पढ़ाया और नॉलेज दिया, और सर मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ देव सर के लिए। तो सर मैं गुजरात वालों को, सबसे स्टूडेंट वालों को मैं मेरे दिल से कहता हूँ कि सर जो आप यूट्यूब में अपना टाइम दिखा रहा है वो सही नहीं है, और जो अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी को तो सीखना है तो सर एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करें। थैंक यू। मैं फंक्शन इंदौर से। इरफान इंदौर से। इरफान इंदौर में भी इंस्टीट्यूट है जी? हाँ सर। आजू बाजू भी है जी, आपको जानते भी है, चाहते तो सीधा दिल्ली निज़ामुद्दीन में बैठ कर दिल्ली निकल जाते हैं। जबलपुर के सर? सर जबलपुर में जो टेक्निकल मिली सर, वो पिछले मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने नोकिया 1200 से काम स्टार्ट करा था जब वो चलता था, लेकिन आज मैं जब यहाँ एशिया टेलीकॉम आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं खाली मेरा समय ख़राब करता था, और मेरे उन कस्टमरों को मैं खाली बेवकूफ़ बनाता था। एक रियल सेशन में बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसा लगता है कि टेक्निकल क्या होता है ये एशिया टेलीकॉम में आके मेरे को मिला जी। जैसे देव सर ने इतनी एनर्जी के साथ में आज हमारी क्लास ली, यानी आज हम सुबह 8 बजे यहाँ पर आए, और शुरू में एमडी सर ने बहुत सुपर क्लास लिया,
उसमें 2.5 घंटे का क्लास दिया, उसमें 33-34 बच्चों को उनने सभी को 5-5 बार रिबॉल करवाया, मतलब और सभी 100% किए, एक एक ने बोर्ड पे अपनी साइन की, नंबर डाला और ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, अमेजिंग अन अमेजिंग बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ देखने को मिली। उसके बाद में देव सर क्या एनर्जी से हमारा एंट्री किया और क्या ज़बरदस्त क्लास ली उनने, मतलब इतनी गजब क्लास ली कि उनने खुद ने, मैंने टाइम मैंने बहुत नोटिस किया उस चीज़ पे कि उनने खुद ने खाना मात्र 10 मिनट में खाया है, टाइमिंग लगाया। हम लोगों से बोला कि आप खाली पानी वानी पी के बाहर से आ सकते हो ये वो, और इतनी देर में वो खाना खा के आ गए। हम लोग 33 बच्चे जब बाहर निकले बेच के और रिटर्न अंदर नहीं हो पाए, सर इतनी देर में खाना खा के आ गए। मेरे को ज़बरदस्त लगा, मतलब सर कितनी एनर्जी है, आप सलंग 2.5-3 घंटे से क्लास ले रहे हो और उसके बावजूद भी खाना खा के आ गए। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेरी मच सर। और एशिया डे काम में आपको प्रैक्टिकल का टाइम पूरा मिलता है? सर ज़बरदस्त, सुबह से लगे हुए क्लास के बाद में, अभी आप देख सकते हो टाइम लाइव 9:30 बज रही है और अभी भी सर एमडी सर हमारे लिए रुके हुए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। पंजाब से, जलंधर से। जी जलंधर से, पंजाब से। तो शर्मा आप पंजाब में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े नाम है। यस सर। और फिर उसके बाद आपने ट्रस्ट एशिया टेलीकॉम पे दिखाया, देव सर पे ट्रस्ट दिखाया आपने, तो जो ट्रस्ट दिखा के और इतनी दूर से यहाँ आए हो तो उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? यस सर बिल्कुल मिला सर, 12 घंटे की क्लास चली जिसमें 11.5 घंटे, देखो 12 घंटे या 20 घंटे बिठा लेना वो अलग बात है। यस सर। पर बाकी नॉलेज मिला कि नहीं मिला? सर पूरा नॉलेज मिला, नॉलेज नहीं एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है। आईसी 5 अटेम्प्ट किया और 5 जगह पॉइंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था क्लियर, और ट्रिक ही ऐसी अच्छी मिली थी जी। यस सर। अब उसके बाद आपकी जिनको देख के आए आप, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर को देख के आए आप? यस सर। तो उनको देख के आए तो उनके बारे में क्या कहेंगे और क्या क्लासेस आपने पहली क्लास लिया आज उनसे? यस। तो आपको कंपोनेंट 1 की क्लास दी है उन्होंने, तो क्या लेवल से क्लास दी है? सर उनके लेवल का कोई मेरे ख्याल शायद कोई पढ़ा पाएगा, पर वो जैसे पढ़ाते एक बार दिमाग में बैठ जाए तो दोबारा नहीं निकल सकता। बराबर। यस सर। और उसके बाद आपने यार क्लास में पूरा प्रैक्टिकल करा आपने? यस सर पूरा प्रैक्टिकल। यस सर पूरा प्रैक्टिकल करा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बोर्ड में से रजिस्टर तो आप ढूंढी दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूं तो यस सर 100% निकाल सकते हैं, परफेक्ट टेक्निक है आपके पास। यस यस सर पूरी है सर, अभी लाइव निकाल सकता हूं सर। ठीक है चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कहां से? गुजरात से। भाई गुजरात से बहुत स्टूडेंट है इस बार। जी सर। तो गुजरात पूरा जबलपुर ही आ रहा है मतलब है सर? यहाँ पे ज्ञान इतना है, स्ट्रिक भी इतनी है, तो आना ही पड़ेगा सर। बराबर है, ये दूसरों के पास नहीं है। दूसरों के पास नहीं, नहीं है। आप सवेरे से आए, सेकंड हाफ में क्लास कंपोनेंट की देव सर के साथ थी। जी सर। क्या क्या नजरिया था पढ़ाने का और क्या क्या नॉलेज मिला सर? थियोरी के साथ प्रैक्टिकल थी, बहुत अच्छी तरह से समझ गए हम। पूरी जिंदगी जाने वाला नहीं है, पूरी जिंदगी जाने वाला नहीं है। क्या अगर एक शब्द में पूछना चाहूँ तो देव सर के बारे में क्या बोलेंगे सर? देव सर को बोलेंगे थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू, बहुत अच्छा है सर। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल क्लास में आपको पूरा प्रैक्टिकल का टाइम मिला? जी सर पूरा। एक एक कंपोनेंट चेक किया आपने? जी सर। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि अगर आपको कोई सी भी ब्रांड की, अगर मैं आपको कोई सी भी ब्रांड का सीपीयू देता हूँ और उसमें थर्मिस्टर ढूंढने का बोल दो तो ढूंढ सकते हो? 2 मिनट में ढूंढूंगा। 2 मिनट? 2 मिनट? बड़ी बात बोल रहे हो। जी सर 2 मिनट ढूंढ लूंगा। ट्रिक ऐसी बताइए, 15 साल वाला टेक्नीशियन भी 2 मिनट में नहीं ढूंढ सकता, बाकी आप ढूंढ सकते। ट्रिक ऐसी है हमारे पास, निंजा ट्रिक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा नाम बताइए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से? यस सर। तो वेस्ट बंगाल से जबलपुर कैसा सफर रहा आपका और आज पहला दिन कैसा रहा आपका? आज सर सर के साथ में सर का जो पढ़ाने का जो एनर्जी लेवल था जी, देख के जो नहीं पढ़ना चाहे उसको भी लगेगा कि हाँ कुछ सीखने का है। बराबर है। और उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत यूनिक है, जुनून दिखता है। जुनून तो सर इतना है कि सर जो नहीं पढ़े वो भी पढ़ ले। अच्छा। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, अब मेरा भी लगता है कि मदरबोर्ड को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मैं गारंटी देता हूँ कल का दिन हो जाए वो परसों का। यस। परसों के दिन के बाद है ना पीसीबी में सारी चीजें आप बता दोगे, यूँ देख के। यस सर। यूँ देख के बता दो, गारंटी वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में आपको वो क्लास नहीं मिल सकती जो मिस्टर देवरतन अग्रवाल से देंगे आप। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, और हम ले जाएंगे आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। यस। चलिए तो, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल का पूरा पर्याप्त समय? जी सर पूरा पर्याप्त समय, पर्याप्त समय। जितना सर नॉलेज मिला प्रैक्टिकल हिसाब से, अभी क्या है कैपेसिटर, क्या है डाइट, सब कुछ का नॉलेज धीरे धीरे मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके सर। मैं महाराष्ट्र से सर, मेरा नाम राजकुमार दास है। हाँ, महाराष्ट्र से राजकुमार दास। तो राजकुमार ये बताइए आज पहला दिन
महाराष्ट्र में? कहाँ से हुआ? गढ़चिरौली जिले से सर। अच्छा, तो जबलपुर आए आप, तो रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? बहुत ही बेहतर मिला सर, जो देख के आए उससे भी ज़्यादा मिला। बहुत ही बेहतर। हाँ सर। सेकंड हाफ में देव सर के साथ आपकी क्लास थी? हाँ सर। क्या रिजल्ट निकला सर? देव सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है सर, बहुत ही जबरदस्त है सर। जी। और उसके बाद आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर? हाँ सर। प्रैक्टिकल में कोई डाउट नहीं सर? बनना चाहिए यार, फिर बने क्यों नहीं डाउट? नहीं ना सर, कारण पढ़ाई वैसी। तो जो हमने कंपोनेंट वन की क्लास करी, तो कंपोनेंट वन की क्लास पूरी डन है? हाँ सर बिल्कुल। कोर्स के साथ बोल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल डन है। बिल्कुल डन है? हाँ सर। ये रिव्यू में जबरदस्ती तो नहीं ले रहा हूँ? नहीं ना सर। अच्छा, तुम अभी इतने सारे बच्चे जबरदस्ती रिव्यू दे सकते हैं? नहीं सर। कारण? सर कोई तो भी एक दे सकता है, बट पूरे नहीं दे सकते ना। हाँ, कोई दे सकता है क्या? नहीं सर। बताइए मेरे को, हमने डन करने के बाद रिव्यू लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ सर। यहाँ पहले रिव्यू लेते बाद में डन कराते? नहीं नहीं सर, पहले डन कराते फिर रिव्यू लेते। अच्छा, ओवरऑल में अगर तुमसे बोलूँ कि मैं दुनिया का कोई भी ब्रांड का सीपीयू दे दूँगा आपको, और बोलूँ कि भैया इसमें से थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो मेरे को? सर ढूंढ के निकाल दूंगा, तीन से चार मिनट में निकाल दोगे? हाँ सर। है नॉलेज वो? हाँ सर। तो कितने टाइम से थे इस फील्ड में आप? सर मैं करीब 7 से 8 साल से था। 8 साल से था, तो 7-8 साल का एक्सपीरियंस और आज एक दिन का एक्सपीरियंस, क्या बोलोगे? सर आज का एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि मैं 7-8 साल से कुछ भी नहीं कर रहा था। पक्का? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है मैं सतीश छत्तीसगढ़ से। हाँ जी। तो सुबह 8 बजे से सर ऐसी बॉलिंग का काम किए हैं जी, अच्छे से किए। उसके बाद देव सर का जो है क्लास अटेंड किए जी, उन्होंने कंपोनेंट के बारे में बताया, बहुत डीपली बताया। उसके बाद हमने उनको पूरे तरह से प्रैक्टिकल किए और हमें सब समझ में आ गया। तो क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम की टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि वाकई में जो वीडियो में देखने को मिलता है वो वाकई में सामने होता है कि नहीं होता? जी सर सब सही है। नहीं देखो, कहीं भी कोई चुप नहीं है, कोई गलती नहीं है ना, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा जी सर सब सही है। मैं देव सर को, एशिया टेलीकॉम को, पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे साथ है स्टूडेंट जी, थोड़ा नाम बताइए अपना। जी मैं राम हूँ, दिल्ली से। राम दिल्ली से जी। भाई दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, फिर छोटे से गांव जबलपुर में क्यों? मैं कुछ सोच समझ के आया। सोच समझ के आया, तो वो चीज़ जो सोची थी समझी थी तो उससे ज़्यादा मिला है? उससे ज़्यादा मिला है। तो आज सवेरे से लेकर शाम तक क्या किया आपने? सुबह 8 बजे आए, ICU रिपोर्ट करी। ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट की क्लास हुई। ठीक है। कंपोनेंट की क्लास में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और थर्मास्टेट जी, तीनों चीज़ की क्लास अच्छी हुई। अच्छा, क्या नॉलेज है देव सर के पास? नॉलेज तो सर थोड़ा बहुत है, थोड़ा ज़्यादा है या क्या सर? जवाब ही नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में जवाब ही नहीं हो गया। अगर ये क्लास अगर कहीं तीसरे चौथे इंस्टीट्यूट में लेते तो क्या ये आपको मिल पाता? नहीं मिलता था। इतने सारे बच्चे हैं, एक भी ऐसा बच्चा है यहाँ पे कि जो बिना समझे बैठा हुआ है यहाँ? सारे समझे। चलिए ठीक है। और प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिला आपको? पूरा टाइम मिला। अगर मैं बोलूँ कि यार दुनिया की कोई सी भी पीसीबी दे दो और आपको थर्मिस्टर ढूंढना है तो ढूंढ के बता सकते हैं? 2 मिनट में, कॉन्फिडेंस के साथ? चलिए ठीक है, थैंक यू जी। सर नमस्ते, मैं राजेश्वर दीवान सर जी, राजेश्वर पूर्वज से जी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है जी कि मैं इस फील्ड में तो 0 था। अच्छा। और आने के बाद थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा लेवल और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया अभी कि मतलब बोल नहीं सकता। और बाकी देव सर की बात बता रहा हूँ मैं जी, उनका लेवल और उनका जो मेहनत है वो बोलना तो मतलब देखो, मेहनत है तो चमकती है वो। जी जी सर, दिखती है वो मेहनत। और उनका मेहनत क्या है सर, उनके मेहनत से हम लोग जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, बराबर वो है। और एशिया टेलीकॉम की जो टीम है उनका भी मैं काफी धन्यवाद कहना चाहूंगा जी, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक जी वो हमारे साथ लगे हुए हैं जी। और अगर हम चाहें तो अभी भी और लग सकते हैं। बराबर है जी सर। तो मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है, बाकी टीचर की कैपेसिटी है सर? मेरी भी आ गई सर। आ गई जी सर। जी सर क्या बात है, आज जोश दिख रहा है आपके। जी सर जी सर जी सर। तो हमने जो भी आज आपने किया, हमने रिबोल किया, तो रिबोल आपने किया जी सर? 5 टाइम किया सर। 5 टाइम रिबोल किया आपने जी सर। और दूसरी बात करूँ, कंपोनेंट वन की क्लास थी तो सारी चीज़ें डन हुई आप जी सर? जी सर। ओके सर। अगर दुनिया की कोई से भी अगर आपको मैं ब्रांड का सीपीयू देता हूँ तो आप उसमें से थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? ओके सर। ओके कर सकते हैं जी सर। जी सर बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट जी सर। जी सर, हम यूपी से आशुतोष दीक्षित। आशुतोष यूपी से। तो भाई मेरे पहले दिन की क्लास, क्या एक्सपीरियंस एशिया टेलीकॉम में? सर इस लाइन में अगर रहना है तो बेसिक कंपोनेंट की जानकारी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। बराबर है वो सर हमको देवरत्न अग्रवाल सर से मिली है कि एक